वेलकम बैक। हमारा आज का नया लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन, जिसमें से एक बहुत ही बेहतरीन और इम्पोर्टेंट हमारा प्रिंसिपल है, दैट इज द स्क्वैश एंड स्ट्रेच, जो फर्स्ट नंबर का प्रिंसिपल्स है। स्क्वैश एंड स्ट्रेच क्या इम्पोर्टेंस प्ले करता है, रोल प्ले करता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन में, उसके बारे में हम आज जान के लेंगे। क्वेश्चन स्ट्रेच जब हम अप्लाई करते हैं, तो ये जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स है उनको, या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हम लोग एक इल्यूजन क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ पे आप ग्रेविटी, उसमें वेट, मास और फ्लेक्सिबिलिटी हम दिखा सकते हैं क्वेश्चन स्ट्रेच प्रिंसिपल के थ्रू। अगर हमने इसमें क्वेश्चन स्ट्रेच नहीं अप्लाई किया, तो वो बहुत ही रोबोटिक और रियलिस्टिक चीजों को दिखाएगा, अगर हम उसमें वो क्वेश्चन स्ट्रेच प्रिंसिपल अप्लाई नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन स्ट्रेच जो हम अप्लाई करेंगे, उसका एक बेसिक एग्जांपल्स है, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। जो हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ एनिमेशन है, जिसमें से बाउंसिंग बॉल प्रिंसिपल जो है, यहाँ पे मैंने एक ऑनियन स्किन ऑन की है, तो जिसके थ्रू अगर आपको ये प्रीवियस जो बाउंसिंग बॉल हो रहा है वो दिखाई देगा। अगर इसमें अगर मैंने क्वेश्चन स्ट्रेच प्रिंसिपल्स नहीं अप्लाई किया, तो ये बहुत ही रोबोटिक तरीके से ये बाउंसिंग बॉल, यानी कि इक्वल स्पेस या उसका इक्वल वॉल्यूम, यानी कि जैसे कि कोई मेटल का बॉल है या कोई उड़न बॉल है, जिसके अंदर कोई भी लाइक उसके अंदर कोई जान नहीं है या कोई उसका सोल नहीं है, जिसके थ्रू वो एनिमेट होगा, या वो रियलिस्टिक फील हमें नहीं आएगा। ये जो एनिमेशन यहाँ पे बना हुआ है, ये बाउंसिंग बॉल का जो एनिमेशन बना है, यहाँ पे कुछ स्ट्रेच एंड स्क्वैश के कुछ हमने यहाँ पे पोजेस ड्रॉ की है। कुछ यहाँ पे जैसे कि ये स्क्वाश है, जैसे कि हम फर्स्ट पोज से जाते हैं, तो दैट इज यहाँ पे स्ट्रेच, फिर यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे स्क्वाश, और फिर स्ट्रेच और फिर स्क्वाश। तो इसको हम एक बार प्ले करके देखते हैं, लूप में हम लोग इसको प्ले करेंगे और प्रिंसिपल को समझ के लेंगे। तो जैसे ये ग्राउंड पे हिट होता है, तो वहां पे वो स्क्वाश होता है और फिर स्ट्रेच होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, एंड थ्रू आउट द ग्रेविटी जब वो सरफेस की तरफ जब ट्रैवल करता है, तो ग्रेविटी की वजह से उसके अंदर स्ट्रेच प्रिंसिपल दिखाई देता है। तो जब भी हम लोग स्ट्रेच एंड स्क्वाश प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके देखते हैं, ये तो एक बेसिक एलिमेंट है, एक ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा अगर हम लोग स्क्वाश एंड स्ट्रेच प्रिंसिपल्स को देखेंगे कैरेक्टर्स के अंदर, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि ये स्क्वाश एंड स्ट्रेच जो प्रिंसिपल्स है, यहाँ पे ये एक इल्यूजन भी क्रिएट करता है वेट एंड वॉल्यूम्स के अंदर, और जो एक वॉल्यूम होता है कैरेक्टर्स का, उसको भी कंसिस्टेंट हमें रखना है, भले वो स्क्वाश हो या स्ट्रेच हो। सो अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ है, और ये जो सर्कल है, तो यहाँ पे ये स्ट्रेच की पोजिशन है और यहाँ पे स्क्वाश की, जिसके थ्रू आपको अंडरस्टैंडिंग होगा कि स्ट्रेच एंड स्क्वाश का डिफरेंस, जो एक ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, फिर स्ट्रेच है और फिर यहाँ पे स्क्वाश दिया हुआ है। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पे चार एग्जाम्पल रखे हुए हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट 2D के कैरेक्टर्स यहाँ पे हमने रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कैरेक्टर है, इसकी ये ओरिजिनल पोजीशन है, फिर ये स्ट्रेच की पोजीशन है, फिर स्क्वाश की, अकॉर्डिंग टू द उस कैरेक्टर का जो वॉल्यूम है उसके अकॉर्डिंग, या उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग ये स्ट्रेच एंड स्क्वाश हो रहा है। देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा एग्जैजरेट किया हुआ है, यहाँ पे वो ज्यादा जैसे स्ट्रेच हो रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी यहाँ पे शिफ्ट हुआ है और फिर स्क्वाश में यहाँ पे दिखा दे रहा है। देन द नेक्स्ट रैट है, या एनिमेटेड यहाँ पे कार्टून कैरेक्टर दिया हुआ है, वो भी स्ट्रेच एंड स्क्वाश के थ्रू हमें यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो हम लोग एक इसका एक एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए, तो वो हम लोग कैसे देख सकते हैं, तो वो अप्लाई करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक नॉर्मली सर्कल्स को ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये 3D वॉल्यूम है इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगा स्क्वाश की पोजीशंस, तो स्क्वाश अगर करेंगे, तो
तो ये जो रिमेनिंग वॉल्यूम है वो एज इट इज उसके अंदर अप्लाई हो जाना चाहिए। अगर स्क्वाश ऊपर की तरफ से हो रहा है, ठीक है, तो ये विड्थ में एक्सपांड होगा, ठीक है, और अगर ये स्ट्रेच हो रहा है अगर ये स्ट्रेच हो रहा है तो ये विड्थ से स्क्वाश होगा और हाइट में एक्सपांड हो जाएगा, ठीक है। तो ये वॉल्यूम आपको कंसिस्टेंट रख रहा है, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, भले उसका शेप चेंज हो जाए वॉल्यूम उसका चेंज नहीं होना चाहिए। सेम एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा 3D क्यूब फॉर्म में देखते हैं कि क्यूब फॉर्म में वो कैसा रहेगा। तो यहाँ पे एक हमने एक 3D बॉक्स को हमने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो इसी के ऊपर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेच का एग्जांपल लेता हूं। तो सेम अगर बॉक्स को मैं अगर स्ट्रेच करूं, तो इसके अंदर ये उसकी हाइट बढ़ जाएगी तो उसका वॉल्यूम शिफ्ट हो जाएगा। मतलब जितना वॉल्यूम आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ब्लैक स्पेस में, उतना ही वॉल्यूम वो स्ट्रेच हो जाएगा ऊपर की तरफ, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग इसका स्क्वाश का देखते हैं। तो मान के चलो कि ये स्क्वाश की एक पोजीशन हम लोग लेते हैं यहाँ पे एज इट इज ओरिजिनल बॉल की। तो ये एक्सपांड होगा नीचे की तरफ लाइक दिस। अगर इसके ऊपर से कोई अगर प्रेशर लगाया हमने इस स्क्वायर के ऊपर, तो ये एक्सपांड होगा बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। उसकी हाइट यहाँ पे कम हो चुकी है, बट ये अपने जो वॉल्यूम है इस वॉल्यूम को वो यहाँ पे एक्सपांड कर रहा है। तो यही चीजें हमें कैरेक्टर्स के अंदर भी अप्लाई होती है। अगर यहाँ पे मैंने कोई एक नॉर्मल कैरेक्टर लिया जिसमें इसके आईज है, ईयर्स है, एक पांडा जैसा हम कैरेक्टर लेते हैं, ठीक है, और इसको अगर मैंने स्ट्रेच किया तो इसका जो बेसिक वॉल्यूम है वो स्ट्रेच कर दिया, तो दोनों साइड से ये क्या हो जाएगा, स्क्वाश हो जाएगा और यहाँ पे इसका हाइट स्ट्रेच हो जाएगा। तो इसके जो ईयर्स है वो ईयर्स भी अकॉर्डिंग टू द शेप ये चेंज हो जाएंगे। इसकी आईज जो है ये भी यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, नोज इसका शिफ्ट हो जाएगा, कैरेक्टर चेंज नहीं होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग वैसे रहेगा। और यहाँ पे मैं उसको स्क्वाश करता हूँ, स्क्वाश में देखिए उसके ईयर्स भी स्क्वाश हो जाएंगे। मैं ये अलग से बना के दिखा रहा हूँ बिकॉज आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए प्रिंसिपल। नोज भी इसका मैं चेंज करता हूँ, ठीक है। सो इसका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम रिमेन वैसा होना चाहिए, कैरेक्टर की जो ओरिजिनल जो है वो एज इट इज रहना चाहिए। तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग स्क्वाश एंड स्ट्रेच, तो ये स्क्वाश एंड स्ट्रेच हमें एक वेट, वॉल्यूम, मास, ग्रेविटी अंडरस्टैंडिंग यूज होता है। अगर सेम चीजों को अगर मैं बाउंसिंग बॉल है उस बाउंसिंग बॉल को अगर यूज करूंगा एज इट इज सेम वॉल्यूम्स पे, तो वो बहुत ही रोबोटिक मुझे यहाँ पे नजर आएगा। उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, उसमें कोई मास हमें समझ में नहीं आएगा, वो एज इट इज लगेगा। बट अगर हम लोग ग्रेविटी अगर उसके अंदर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वो स्ट्रेच हो जाएगा, ठीक है, उसमें एक वॉल्यूम समझ में आएगा। उसमें एक लाइक सोल हम अप्लाई कर रहे हैं तो एक रबर का एक फील उसके अंदर आएगा और वो एक एज अ एनिमेटेड कैरेक्टर की तरह बिहेवियर करेगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगली क्लास में।